ब्लैक फंगस यदा मेडिकल नाम जरा साइंटिफिक नाम है म्यूकर माइकोसिस है। ये उरली एक तरह की उरली है जी नक् तो शुरू होकर साइनसिस अख तो ब्रेन वाल चल जाती हैगी है। ये कोई नवी बीमारी नहीं हैगी, बहुत साल तो बीमारी चलती आ रही हैगी है, पर अजकल के समय के कोरोना के दौरान इस बीमारी के पेशेंट बहुत ज़्यादा वध गए हैं। ब्लैक फंगस एक जी बीमारी हैगी है, ये हर किसी को नहीं होगी। जिन्हों का इम्यून सिस्टम डाउन होंगे हैगा ये सिर्फ उन्ना मरीजों को होंगी है। ये बीमारी करोना तो पहला भी होंगी सी, कई पेशेंट जिन्हों की शुगर कंट्रोल च नहीं आ रही, शुगर ने इम्यूनिटी डाउन करना है, कोई मरीज जिन्हें अपनी दवाइया छड़ती, किसी मरीज को अपनी शुगर बारे कभी टेस्ट ही नहीं कराया, उन्होंने पता ही नहीं, वह जे मरीज साढ़े को बहुत आते थे। किसी ने कोई खून का कैंसर है जिदे करके इम्यूनिटी डाउन हुई है, कोई उदा ऑर्गन ट्रांसप्लांट होया जिस तो बाद दवाइया चलदियाँ ताकि इम्यूनिटी डाउन रखी जाए, इस तरह के जोड़े मरीज है उन्होंने ब्लैक फंगस का रिस्क रहा है। करोना के दौरान ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। करोना के एक अपना वह फीचर हैगा कि वह इम्यूनिटी डाउन करता है, ठीक है जी। ये करोना के इम्यूनिटी डाउन होने करके ब्लैक फंगस की तादाद बढ़ गई है। दूसरी चीज़, करोना के दौरान जिहड़े मरीजों नूं असी स्टीरॉयड दिते है, कुछ मरीजों ने अपनी मर्जी नाल स्टीरॉयड लिते है, स्टीरॉयड दवाइया जिहड़ियां हैगियां उह अपने आप दे विच इम्यूनिटी डाउन करदियां ने। जदों असी बिना किसी डॉक्टर की देखरेख दे विच इहो जी स्ट्रोंग दवाइया लैंदे आ, डोज घट वध लैंदे हैगे आ, टाइम गलत टाइम ते लैंदे हैगे आ, ते उहदे साइड इफेक्ट आंदे जिहदे विच इक इम्यूनिटी घटना वड्डा साइड इफेक्ट हैगा। दूसरा, स्टीरॉयड करके शुगर वधी है जी, शुगर भी वध गई, इम्यूनिटी भी डाउन हो गई, करोना ने अपना होर उहदे विच रोल प्ले किया। ये सारे फीचर मिल के म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस के केसिस नूं बहुत ज़्यादा वधा रहे हैं। देखो जिहड़े ब्लैक फंगस का सब तो पहला सिमटम यही आएगा कि नक् दे विच ड्राइनैस होना, पपड़ियाँ यानी कि क्रस्टिंग होना, काले रंग दियां पपड़ियां बनदियां, या नक् चों ब्लीडिंग गाढ़ा रेशा आना जिहदे विच खून लगा होवे। जिहड़ी साडी ये चीकबोन हैगी है इहदे उपर सोज आनी शुरू हो जांदी है, सुनपन आना शुरू हो जांदा है, कोई झंझनाहट सरसराहट, कोई जिवें कीड़ियां चलदियां उह जिहे फीचर आंदे हैगे है। अख बंद हो जाती है, रोशनी अख की खत्म होनी शुरू हो जाती है, अख की मूवमेंट जी हैगी है वह खत्म हो जाती है, तो बाद चल के जो बीमारी ब्रेन वाले पासे चल जाए वो करके दौरे पैना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, यह जे फीचर आते हैं। ब्लैक फंगस नू डायग्नोज करने लई साडे कोल कुछ बेसिक टेस्ट हैगे है। सब तो पहला तो नेजल एंडोस्कोपी यानी कि कैमरे नाल नक् नू देखना, एदे नाल सानू आइडिया मिलता हैगा कि अंदर किस तरह की बीमारी पई हैगी है, कि साडा नक् हेल्दी हैगा या बीमारी आई हुई है। जो दूसरा असीं टेस्ट करते हैं वह हैगा MRI नक् दा, अख दा ते ब्रेन दा। इस MRI दे विच बीमारी किन्नी फैल चुकी हैगी है वह सानू पता लगता है। तीसरी चीज़, असीं जिहड़े नक् दी एंडोस्कोपी दे दौरान उत्थों दी एक थोड़ा जिहा टिशू लैके जिहनूं बायोप्सी कहिंदे हैगे आ वो लैके असीं लैबोरेटरी च भेजदे आ, जिहदे विच सानू पता लगता हैगा कि ब्लैक फंगस किहड़ी हैगी है, क्योंकि ब्लैक फंगस दी भी अगे किस्मां हुंदियां और उस दे हिसाब नाल साडा पक्का डायग्नोसिस बनता है। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस नूं ट्रीट करना एक चैलेंजिंग केस हुंदा है। इहदा जिहड़ा इलाज है वह दवाइयां ते ऑपरेशन दोवें मिल के ही हो सकता है, कल्ली दवाई या कल्ले ऑपरेशन ने कदी भी इस बीमारी नूं ठीक नहीं कर सकना। यह बीमारी जिहड़ी है जिवें उरली हुंदी है इहने डेड टिशू ते जिहड़ा मरिया टिशू गलिया टिशू हैगा नक् दे अंदर साडा उहदे उपर पलना हैगा, ऑपरेशन करके असी यह सारा टिशू सानू कढ़ना पैंदा है, जिहड़ा जिहड़ा टिशू गल चुका है वह कढ़ना पैंदा है, कई बार अख तक भी कढ़नी पैंदी हैगी। इस तों बाद यदि कुछ खास दवाइया है जिहड़ियां स्ट्रोंग दवाइया हैगियां वह चलदियां हैगियां, यह दवाइया के साइड इफेक्ट भी हुंदे हैगे है, तो यह दवाइया एक क्वालीफाइड डॉक्टर की निगरानी के हेठा ही चलनिया चाहिए, घर के देन वाली दवाइया यह नहीं होंदिया, हॉस्पिटल देन वाली दवाइया
ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨਲੀ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30-80% ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਘਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਗੰਦੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਾਸਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ N95 ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 3-ਪਲਾਈ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਥ ਮਾਸਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।